वेलकम टू हेवन। आइस जम गया है, खाली ये रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, डे 3। हो गए हैं रेडी फॉर डे नंबर 3। आज लंबा ट्रिप होने वाला है, आज आप लोग को और ज्यादा मजा आने वाला है। फाइनली आ गया है गाड़ी, आ गया है हमारा सैम भाई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ऑलरेडी थोड़ा लेट है पर कोई नहीं, चलता है दौड़ेगा। चलो हम लोग ने पासेस बना लिया है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे हम लोगों को पासेस जमा कराना है। यह चेक पोस्ट क्लियर। All right guys, so ये है अपना पहला stop. We are just stopping to have some tea वगैरह. Welcome to heaven. ये अपने सैम भाई. Hi. ये अपने राजेश सर. And man, look at the beauty. It's beautiful. आप लोग थोड़ा बहुत view enjoy करो, B-roll, और मैं तब तक चाय enjoy करता हूँ. ठीक है, चलो देखो. यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एक छोटा सा मार्केट सॉर्ट ऑफ थिंग। यहाँ पे सारे गाड़ियाँ सब दे हैव स्टॉप्ड आउट हियर जस्ट टू हैव सम चाय एंड द सीनेरिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग। लेकिन गेस व्हाट, ट्रिप अभी जस्ट शुरू हुआ है और भी बहुत कुछ है देखने को, एक्सप्लोर करने को। थोड़ा बहुत कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक कर लेते हैं, डीपी वगैरह भी बनवाना है एंड उसके बाद मिलते हैं। गाइस यहाँ पे एक स्टॉप दिया जस्ट टू यूज वॉशरूम एंड प्रॉब्ली हैव अनदर कप ऑफ टी, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ का चाय बहुत ही टेस्टी है। वॉशरूम पे आए थे, एक मजेदार चीज आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बकेट ऑफ वाटर जिसके ऊपर एक्चुअली में ना आइस जम गया है, खाली ये रखा हुआ है। एंड एज यू कैन सी दिस इज आइस। और अभी तो बस एपिसोड 3 शुरू ही हुआ है, सो एंजॉय करो। और अगर कर रहे हो तो लाइक द वीडियो प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आ गया इतना ऊपर, अब तो सब्सक्राइब कर दो। 70% ऑफ यू गाइस जस्ट वॉच, डोंट सब्सक्राइब को। खैर सीखे नहीं करना है, नहीं करो। चलो बहुत अच्छे मूड में है आपका भाई, एंजॉय। कैसा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आते वक्त ऐसा बन के आना, बस द वॉशरूम वाला स्टॉप एकदम सीरिया मीन आउट ऑफ वर्ड्स। इट्स गुड। ये मिला हमारा और एक दोस्त यहाँ पे। चीयर्स ब्रो, हैव सम टी। यहाँ पे पहाड़, दीज आर ऑल द स्मॉल शॉप्स जहाँ से आप लोग चाय वगैरह कुछ छोटा मोटा खाने का ले सकते हैं। यहाँ पे पोंचू, जैकेट, स्कार्फ्स, कैप, एवरीथिंग। ये हमारा गाड़ी यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे भी एज यूजुअल पहाड़ ही पहाड़ है। प्लान क्या है? ये प्लान रहता नहीं, एक सपना ही कह लो। अगर लाइफ में कभी सक्सेसफुल बन जाऊंगा ना, तो पहाड़ में आके यहाँ पे छोटा सा अपना एक घर लेके सेटल डाउन हो जाऊंगा, फार अवे फ्रॉम द कॉन्क्रीट जंगल। लोकल से है और ऊपर अपन लोग को उठना है, आप लोग को और खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाना है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे अपना चेकिंग हो रहा है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन। फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। वहाँ पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है, तो इसके बाद कैमरा बहुत जगह पे अलाउड नहीं होगा, बट जितना हो सके आई विल बी शूटिंग। इसके आगे उसके अंदर मतलब टेंपल के अंदर वी कैन नॉट यूज द कैमरा। आगे है इस पॉइंट पे व्यू, ट्रस्ट मी कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस। उसका 50% आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी आएगा तो 50% आएगा। अगर इसका रियल ब्यूटी एक्सपीरियंस करना है तो आप लोगों को फिजिकली, वो चाइना बॉर्डर है, इसके पार कैमरा अलाउड नहीं है।
दैट्स द चाइना वॉल, वहाँ पे वॉच टावर भी है काइंड ऑफ जस्टिस लीग टाइप का। वेलकम टू नाथुला। इसके आगे रिकॉर्डिंग इज प्रोहिबिटेड, सो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा। अरे यार ये हवा मार रहा है ना, हाथ जम रहा है और एक हाथ में ग्लव्स है मेरे, आई नीड टू ऑपरेट द कैमरा, तो एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है। रेस्ट ऑफ द पीपल दे वेंट अपस्टेयर्स वहाँ पे ऊपर, पर मैं नहीं गया बिकॉज ओरियो इज एंड फीलिंग राइट, उसको थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, सो वी आर डाउनस्टेयर कुछ लोग और बाकी के ग्रुप के फोटोज बढ़िया आएगा। गाइस ये वाला व्लॉग में ट्रस्ट मी बातें कम, जस्ट इन्जॉय द सीनरिक ब्यूटी, यहाँ तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। हाथ जम रहा है, बट लुक एट द श्योर विंड नॉइज की वजह से कैसा ऑडियो आ रहा है, वॉइस ओवर दे दूंगा, डोंट वरी। जोरों की लगी है ऊपर से ये ठंडा हवा। हाय हाय, थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, कपूर कैरी करना अपने साथ, एंड अ जेन्युइन वन, ऐसा कपूर मिलता है, यू स्मेल इट, स्निफ इट एंड यू फील अ लिटिल बेटर। ये मेरे को मालूम नहीं था, यहाँ पे आके पता चला। नंबर टू, मोटा सा ग्लव्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड थर्ड, which is not mandatory for everybody but is recommended, aap ek inhaler carry kar sakte ho, obviously you can get prescribed by your doctor. Now in terms of inhaler, I would recommend aapke doctor se ek bar consult kara lo, koi bhi aisa hilly area mein aa rahe ho uske pehle aapka jo family doctor hai ek bar check up kara lo ki I am going here, kuch basic medicine whether you are fit or not, and tell the doctor that I would like to carry an inhaler, so which one prefers for me, fits for me. होता क्या है ना, इनहेलर में खाली ऑक्सीजन नहीं रहता, उसमें दवाई भी रहता है। और एक चीज़ यू कैन डू, अभी कैन में ऑक्सीजन मिलता है, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, वो कैरी कर सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में आपको, राइट, सो थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में ना आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो सकता है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई वुड रिकमेंड, इट्स अ मस्ट to carry. Can you see that your voice is changing? No, voice is normal. ये गले में ये बांध के रखा है ये। नहीं, मेरा feel हो रहा है। अच्छा? Maybe. This is not me. आय हाय हाय हाय, जन्नत दिख गया नहीं, पहाड़ में वॉशरूम। अभी फिलहाल जो फीलिंग आ रहा है ना अपने लिए, जन्नत वही है। तो चलो हम लोग थोड़ा हल्का हो जाते हैं, उसके बाद बैक टू। और एक स्टॉपेज और एक खूबसूरत नजारा, सब कोई फोटो खींच रहे हैं, देखो बर्फ दिख रहा फ्रिज में, फिर देख रहा हूँ यहाँ बर्फ, किधर किधर आ जाता है वीडियो करने जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। हैव अ लुक, यहाँ से पानी गिर रहा है। चलो गाइस आ गए हैं और एक स्टॉप, वो रहा मेरे बाबा का मंदिर। ब्रो हम बर्फ में खड़े हैं, सोच रहे हो ये व्लॉग वाला सीरीज ना, ये चार वीडियो बहुत मेहनत किया, एंजॉय भी किया, ठीक है, इट्स नॉट दैट ओनली आप लोगों के लिए मेहनत किया, खुद एंजॉय नहीं किया, खुद भी बहुत एंजॉय किया, और थोड़ा मज़े में चार चांद लगा देंगे अगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखा देंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। गाइस पता नहीं कितना ट्रैकिंग करना पड़ेगा, इतना दूर आके अगर बाबा से नहीं मिले तो ये गलत बात होगा, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। किधर से जाना है, इधर से जाना है, हर हर महादेव। ओके गाइस दिस विल बी अ लिटिल ट्रिकी, बोरोफ यू कैन स्लिप, सो बी केयरफुल। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ बाबा से मिलने के लिए, इतना कष्ट तो उठाना पड़ेगा, वर्थ इट है, जरूर आना और बाबा से मिलके जाना। हर हर महादेव, बी वेरी केयरफुल गाइस।
कैसे जाना है? चलो बी केयरफुल। गाइस बाबा से तो मिलने आना ही था, जैसे कि कहा गैंगटॉक तो बस एक बहाना था। ट्रेकिंग वाज वर्थ इट, आप लोग भी आ रहे हो तो मस्त है ये, ठीक है ना। अलग ही सुकून है इनके पास। व्यू देखना है यहाँ से, ये क्या और कैसे व्यू देखते हैं यहाँ पे बैठ के। देखो ये है वो व्यू जो ये बैठ के बिंदास देखते हैं और मेडिटेट करते हैं। वाह पूरा ट्रैक करके यहाँ से। अभी हम लोग आ चुके हैं जंगल लेक, लेकिन एक दिक्कत हो गया है वहाँ पे। क्या हुआ कि ओरियो गॉट रियली वेरी सिक। हम लोग मंदिर के वहाँ पे अपना टाइम मालूम नहीं पड़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पास नेटवर्क नहीं था, सो हम लोग को पता नहीं चला। दिस इज अनदर भोले बाबा का स्थान। हर हर महादेव। ये है द लेक। यहाँ पे श्याम भैया टेम्परेचर कितना होगा अभी? माइनस भी हो जाता है रात को। हाँ रात को तो माइनस भी हो जाता है। जीरो डिग्री माइनस में जाता है। होने को आया है, निकलना भी है। अच्छा गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज टू श्याम भैया। ही वॉज आर लवली होस्ट। इन्होंने हम सबको सब जगह घुमाया बड़े प्यार से। और इस जगह के अलावा अगर कोई खूबसूरत है तो ये बहुत खूबसूरत। कैसे लगा सिक्किम नथुला संगुलेक बाबा मंदिर? बहुत खूबसूरत है, लेकिन जगह से भी ज्यादा खूबसूरत जगह के लोग लगे, ठीक है। और यहाँ का चाय गाइस स्पेशली चाय बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप लोग आ रहे हो एंड इफ यू वांट कि आपको श्याम भैया या फिर उनके दोस्त यहाँ पे आपको लेके पूरा ट्रिप कराए, तो मैं इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना। ये लोग आपको पूरा गैंगटॉक सिक्किम बड़े प्यार से घुमाएंगे, ठीक है ना। ओके एकदम। चलो भाई अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, टेम्परेचर बहुत खराब है। चलो चलो अभी निकलते हैं। चलो भाई चलो यहाँ पे अभी रुके खाने के लिए। थोड़ा कलरफुल कैप पहना है, नॉट माइन बट इट इज नाइस। सो यहाँ पे लाइन लेके आप सबको इतना सारा स्टॉल मिलेगा, सारा का सारा। चाय बढ़िया था, मैगी भी सही है। हम लोग ऐसे एक स्टॉल पे यार आ गए मैगी एंड चाय। यू कैसा है खाते खाते देखो। मजा आया ना, मेनू भी बहुत सही है। दिस इज द मेनू। 300 से 200 के अंदर अंदर आपका चाय खाना वगैरह हो जाएगा। मैगी इज फॉर 80 बक्स। दिस इज हां 1.5